नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल पर। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि कितने फॉर्म अब तक अनुप्रति योजना में भरे गए थे लास्ट डेट तक, और कब तक इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, कोचिंग मिलेगी, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया। देखिए, वैसे तो ये डाटा उपलब्ध होता नहीं है, मैंने आपको बोला था कि ऐसा डाटा कहीं नहीं होता है, सिर्फ आपको न्यूज़पेपर के थ्रू ही मिल सकता है, क्योंकि वो लोग ऑफिस वाले ही उसको छपा सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो उसके बारे में वीडियो बनाया, वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए, आज के न्यूज़पेपर में आया है कि 24 अक्टूबर तक संस्थान बदल सकेंगे। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि इंस्टीट्यूट चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप SSO में जाकर SJMS SMS ऑप्शन जहां आपने अप्लाई किया था उसी में जाएं, फिर उसमें आगे जाने पर अनुप्रति कोचिंग योजना और स्टूडेंट सेलेक्ट करने पर आपका जो फॉरम है वो खुल जाएगा एप्लीकेशन लिस्ट वाली उसमें ऑप्शन में। आपका फॉरम जब होगा आप लेफ्ट में स्क्रॉल करना, लास्ट में एक इंस्टीट्यूट चेंज का ऑप्शन आ रहा होगा, तो 24 अक्टूबर तक चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, कुल फॉरमों की बात करें तो इसमें 1,03,086 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, ठीक है। इसमें कोचिंग जो है उन्होंने भी आवेदन किया था, और उनमें से कितनी 45 संस्थान चयन किए गए हैं। अब देखिए, और इसमें बताया गया 10,000 टोटल अभ्यर्थी लेंगे, मतलब जिनकी परसेंट 70 से ऊपर है तो उनके चांस अच्छे हैं सेलेक्ट होने के, क्योंकि इन 1,03,000 फॉर्म में से काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, काफ़ी सबमिट मतलब रिजेक्ट हो जाएंगे कमियों की वजह से या डॉक्यूमेंट्स की वजह से। उनमें से कुछ हो सकता है अगर उनका जो ऑब्जेक्शन इस तरह का होगा उसको वापस सही किया जा सके, तो उनको एक रीसबमिट का ऑप्शन दिया जाएगा या डॉक्यूमेंट में, या फिर उनको करेक्शन का ऑप्शन दिया जा सकता है उनकी, उसके ऊपर है कि वो किस चीज़ की उनकी गलती है, ऑब्जेक्शन है, ठीक है। तो आप लोग लगातार SSO पर अपडेट देखते रहें SJMS वाले ऑप्शन में, और इस चैनल से जुड़े रहें, जैसे ही कोई अपडेट होगा आपको दे दिया जाएगा। दूसरी बात है, कोचिंग कब तक मिलेंगी, लिस्ट कब तक बनेगी। तो देखिए, इसमें 15 दिन का टाइम होता है फॉर्म चेक होने का, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। तो 15 दिन के अंदर आपका फॉर्म 10 दिन में भी चेक हो सकता है, 5 दिन में भी, 15 दिन में भी, थोड़े ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। तो अभी ये फॉर्म सारे चेक होंगे, उसके बाद अप्रूव फॉर्म होंगे, और कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे, और कुछ को ऑब्जेक्शन जो है क्लियर करने के लिए टाइम दिया जाएगा, 2-4 दिन का, उनको ले लिया जाएगा फॉर्म्स को वापस। तो उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, ऐसा नहीं जिनका अप्रूव हो गया उनको कोचिंग मिली जाएगी। मतलब मान लीजिए 1,00,000 में से मान लो 50,000 फॉर्म अप्रूव हो गए, 60,000 हो गए, तो उनमें से फिर 10,000 स्टूडेंट्स से लेने, वो कोचिंग के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से, कौन से मतलब आप कोर्स कर रहे हैं उनमें जो सीट फिक्स है उसके हिसाब से उनको लिया जाएगा, 10,000 लोगों को, उनकी फिर मेरिट लिस्ट बनेगी किस किस का नंबर आ गया है। बाकी अपडेट की बात करें कैसे पता चलेगा, तो आपको मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, या फिर SJMS वाले ऑप्शन में तो आपको अपडेट मिल ही जाएगा। इस चैनल पर आप जुड़े रहेंगे, यहाँ पर भी आपको बता दिया जाएगा किस तरह आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी तो इस महीने में कोई चांस नहीं है कोचिंग के मतलब लास्ट लिस्ट बनने की, तो अगले महीने में ये काम हो सकता है। आप चैनल पर जुड़े रहें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई दिक्कत है तो आप WhatsApp पर मैसेज कर सकते हैं।